बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन बैठकों का दौर भी जारी है। विकास, देखिए आज जो बैठक होने जा रही है उसमें कर्नाटक के सीएम को लेकर दिल्ली में अब हलचल तेज हो गई है। खड़गे के घर पर कांग्रेस नेताओं की बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री कौन होगा फिलहाल ये सवाल जरूर है, लेकिन बैठक हो रही है। राहुल गांधी भी खड़गे के घर पर पहुंचे बताया जा रहा है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ये महत्वपूर्ण बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम को लेकर ऐलान से पहले महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं, डीके शिवकुमार जो कि दावेदारी कर रहे हैं, और इसके अलावा सिद्धारमैया, वे भी दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, दोनों दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज शाम तक ये माना जा रहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा, और माना यह भी जा रहा है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे तो फिर डीके शिवकुमार को प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उप मुख्यमंत्री का पद भी दिया जाएगा। तो फिलहाल देखिए ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक ये तमाम चीजें जो हैं, जो बातें, जो कयास हैं, वो सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण बैठक और इसमें क्या कुछ और हो रहा है, आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, बताएंगे हमें। आशीष देखिए शिरीन, राहुल गांधी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं कांग्रेस अध्यक्ष के घर, और उनके साथ जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल, दीपक बाबरिया जो कि ऑब्जर्वर हैं, और तमाम दूसरे नेता बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के बाद इसमें निर्णय हो जाएगा जो हमें सोर्सेस से जानकारी है, और उसके बाद उस निर्णय को कम्युनिकेट करने के लिए संभवतः केसी वेणुगोपाल, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार से मिलने के लिए कहा जाएगा, जिसमें डिसीजन कम्युनिकेट किया जाएगा। और उसके बाद फिर शाम को संभव है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष इन दोनों नेताओं से मिलें, और पूरी कोशिश है कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ से कि आज शाम तक अनाउंस कर दिया जाए नए मुख्यमंत्री का नाम, जो कि हमें सोर्सेस से जो जानकारी है उसके मुताबिक सिद्धारमैया पर ही फैसला होगा। अगर आज शाम तक अनाउंसमेंट नहीं हुई तो संभवतः कल सुबह तक इस नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। आशीष, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज जब डीके शिवकुमार वहां से निकले, बेंगलोर से निकले, तो उन्होंने कहा कि ना तो ब्लैकमेल करूंगा ना ही मैं किसी को धमकाऊंगा, मैं कांग्रेस के मंदिर जा रहा हूं अपने नेता से मिलने, अपने भगवान से मिलने। मतलब ये बात लगभग साफ होती जा रही है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे, उस बात का एहसास डीके शिवकुमार को भी है। बिल्कुल विकास, देखिए डीके शिवकुमार को भी इस बात की जानकारी मिल चुकी होगी अब तक कि कल जब ऑब्जर्वर्स ने जो लिखित लोगों की राय लेकर के एमएलए के यहाँ आए थे, उसमें उनसे तकरीबन दोगुना जो समर्थन है वो सिद्धारमैया को मिला है, ये डीके शिवकुमार को जानकारी मिल चुकी होगी। मुझे लगता है कि इस तरह का बयान देकर के उन्होंने एक आखिरी कोशिश अपनी तरफ से इमोशनल कार्ड खेलने की है। निश्चित तौर पर उनका पलड़ा भी काफी मजबूत है, उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ी है, और ऐसा नहीं है कि लीडरशिप उनसे नाराज है, कुछ और वजह है जिसकी वजह से सिद्धारमैया फेवरेट है और उनको विधायकों का समर्थन भी मिल गया है। ऐसे में मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि लीडरशिप की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर और प्रदेश अध्यक्ष का पद रखने का जो प्रस्ताव आ रहा है उसको कबूल कर लिया जाए तो बेहतर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये देखना होगा कि डीके शिवकुमार से जब वेणुगोपाल मिलते हैं, उनको डिसीजन कम्युनिकेट करते हैं, वो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं या उस पर नाराजगी जाहिर करते हैं, उसके आधार पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ शाम को मुलाकात होगी और फिर आज देर रात या कल सुबह तक नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो देर रात या कल सुबह तक नाम के ऐलान की यहां पर संभावना जताई जा रही है, जैसा कि बता रहे हैं आशीष, लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। आशीष, हम फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन देखिए ये बैठक और इस बैठक में बहुत कुछ तय किया जाएगा, ऐलान कब होगा ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसी बीच दिल्ली रवाना होने से पहले डीके शिवकुमार ने एक इमोशनल कार्ड खेला, और बड़ी बात शिवकुमार ने ये कही कि ना मैं पीठ में छुरा घोंपूंगा ना ब्लैकमेल करूंगा। I will not blackmail also. That is, do and enjoy it. But why I should do? I will not do. Thank you, sir. I don't want to go to the wrong history. See, one who has been born has to die someday. I don't want to go with a bad remark. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।